हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रेनू राजपूत स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल यूनिक ब्यूटी पार्लर में। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारी क्लास है वो है अंडर आर्म्स वैक्सिंग हम कैसे करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अंडर आर्म्स वैक्सिंग। आज मैं आप लोगों को अंडर आर्म्स वैक्सिंग सिखाऊंगी, कैसे करनी है, कौन कौन सी ट्रिक्स हमें अपनानी है। आज की जो क्लास है वो विदाउट एसी हमें अंडर आर्म्स वैक्स कैसे करें ये मैं आप लोगों को आपको सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बालों को देखेंगे, बालों की जो डायरेक्शन है। सबसे पहले वाटर से यानी पानी से बहुत अच्छे से स्किन को क्लीन कर लेंगे, उसके बाद उसको सुखा लेंगे टॉवल से, उसके बाद ही पाउडर लगाएंगे हम अच्छे से, और पाउडर लगाने के बाद में वैक्सिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन देख लेनी है, बालों की डायरेक्शन किधर की तरफ है। आप भी इसी तरह से करेंगे जैसे मैं करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से वैक्स नाइफ पे वैक्स ले लेनी है और नीचे से ऊपर की तरफ, जो मेरी क्लाइंट है इनके जो बाल हैं वो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में है सारे, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ वैक्स को लगा देंगे। इसके बाद क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में जब हम वैक्स करेंगे तो ये ट्रिक है, वैक्स लगाई, वैक्स के ऊपर से हम पाउडर लगा देंगे थोड़ा सा पाउडर पफ की हेल्प से। अब इसके ऊपर से वैक्सिंग लगाएंगे इस तरह से, और पूरे जो हेयर्स है ना उनको कवर कर लेंगे, पूरे बालों को कवर कर लेंगे। इसके बाद में वैक्स स्ट्रिप लगाएंगे इस पर, अच्छे से वैक्स लगा देनी है। पहले वैक्स स्ट्रिप अच्छे से लगाएंगे, इसके बाद प्रेस करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ बहुत अच्छे से स्ट्रिप्स को प्रेस किया। इसके बाद क्योंकि गर्मियों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आता है तो इसके ऊपर से हम पाउडर लगा देंगे। ये बहुत अच्छी ट्रिक है गर्मियों में वैक्स करने की, और इस तरह से हाथ को रख लेंगे बाद में, क्योंकि पेन बहुत होता है जब हम अंडर आर्म्स वैक्सिंग करते हैं। तो अगर हाथ रख लेते हैं इस तरह से, जैसे ही हम बालों को निकालते हैं उसको हाथ से प्रेस कर देंगे उस जगह की स्किन, उस जगह पे ये बाल निकल गए सारे। इसके बाद दो चार बाल बचे हैं, ये यहाँ पर वैक्सिंग है तो इसको हटा देते हैं हम, जो एक्स्ट्रा वैक्सिंग बच जाती है। इसके बाद इन बालों पर भी थोड़ी सी वैक्स लगाएंगे इस तरह से। ये वैक्स लगाई, जहाँ जहाँ बाल छूटे हैं वहीं लगाएंगे, पूरे स्किन पे नहीं लगाएंगे, सब जगह दोबारा नहीं लगानी है। अगर बाल छूटते हैं तभी लगाएं, एक बार में अगर बाल निकल जाते हैं तो क्लाइंट को पेन कम होता है। बार बार जब हम वैक्स लगाते हैं हटाते हैं, पट्टी लगाते हैं हटाते हैं, तो उससे ना वैक्स करते हुए बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है। तो इस तरह से यहाँ पर बाल निकल गए हैं, कॉटन की हेल्प से हम पानी लेके साफ़ कर देंगे पूरी स्किन को, या फिर टिश्यू भी ले सकते हैं। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगा देंगे, मॉइस्चर लगाएं या फिर एस्ट्रीजेंट भी लगा सकते हैं स्किन टाइप के अनुसार। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।